डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेटेड MCQ स्टडी करेंगे, जो कि टॉप मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। ये बहुत सारे ऐसे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ज़रूर आ जाते हैं, चाहे वो MBBS के टेस्ट हों या BSCN से रिलेटेड टेस्ट हों या फिर BDS के टेस्ट हों, तो इनमें मोस्टली यही MCQs रिपीट हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देख लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेट स्टार्ट। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप इंस्टेड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है सुपीरियर रिजॉल्विंग पावर, कॉन्स्टेंट डेप्थ ऑफ फोकस, ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग मैटर एंड यूज ऑफ वेरी थिन सेक्शन। तो हमारे पास जो अप्रोप्रिएट आंसर है इसका, दैट इज सी, जो कि ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग मैटर। क्योंकि किसी भी सेल को या लिविंग सेल को रियल टाइम में हम स्टडी करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो लिविंग सेल्स को ये इलेक्ट्रॉन्स डैमेज भी कर सकते हैं। तो इसलिए लाइट माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज सम सेलुलर ऑर्गेनिल्स आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन व्हाइल अदर ऑर्गेनिल्स हैव टू मेम्ब्रेन्स अराउंड देम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो हमारे पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज ए, सिंगल मेम्ब्रेन। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है कि पर ऑक्सीजोम्स और लाइजोम्स के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और जबकि न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो ऑप्शन ए इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एंड थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स कंटेन द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ आरएनए? सेंट्रियोल में आरएनए की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है नहीं, लाइजोसोम्स में भी नहीं होती, क्रोमोसोम्स में भी नहीं होती, जबकि हमारे पास जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर आरएनए की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, क्योंकि previously we have studied that के nucleolus के अंदर ribosomes की assembling होती है, तो वहाँ पर RNA ज़्यादा पाया जाता है। ये RNA जाके ribosomes के साथ attach होकर ribosomal RNA बनाता है, तो जो ribosomal RNA है उसकी assembling nucleolus में होती है। तो most appropriate answer is D. And we have question number 4. A tadpole's tail is gradually broken down during metamorphosis into an adult frog. Which organelle increases in number in the cell of tail at this time? Centriole ki number zyada hogi nahi, endoplasmic reticulum ki bhi zyada nahi hogi, Golgi complex or lysosome. Lysosome yahan pe most appropriate answer hai, kyunki jab bhi मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो एडल्ट फ्रॉग है उसकी जो टेल है वो ब्रेक डाउन हो रही होती है, तो उस दौरान इन सेल्स की ब्रेक डाउन करने के लिए लाइजोसोम्स के पास एंजाइम्स होते हैं जो कि उसको, जो सेल कंटेंट है उसको ब्रेक डाउन करेगा, तो लाइजोसोम्स की नंबर ज्यादा होगी। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी। एंड देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिल्स ऑलवेज कंटेन डीएनए? सेंट्रियोल में डीएनए मौजूद होता है हमेशा नहीं, गोल्जी कम्प्लेक्स में भी नहीं होता, लाइजोसोम्स में भी नहीं होता, बल्कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर या करेक्ट आंसर जो है दैट इज डी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमेशा डीएनए मौजूद होता है। एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, विच डिस्टिंग्विशेस ए प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल? हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है बी, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स मौजूद होते हैं। हमने वीडियो लेक्चर में ये पूरा डिटेल में हमने स्टडी किया है, आप वो वीडियो लेक्चर जरूर देख सकते हैं। एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, द इलास्टिसिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिमोन्स्ट्रेट्स दैट इट इज मेड अप इन पार्ट ऑफ लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज ए, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिपिड बायलेयर, जो लिपिड बायलेयर में फॉस्फोलिपिड्स की जो दो लेयर्स होती है जिसमें हाइड्रोफोबिक एंड होता है, हाइड्रोफिलिक एंड होता है, तो इनकी मौजूदगी की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी मिलती है,
प्रीवियसली हमने डिटेल में इसकी वीडियो लेक्चर बनाई है, आप वो देख सकते हैं. एंड फिलामेंट्स प्रेजेंट इन फ्लैजिला एंड सीलिया आर, जो फिलामेंट सीलिया और फ्लैजिला के अंदर जो मौजूद होते हैं उनको हम माइक्रोटिब्यूल्स कहते हैं. द बेस्ट ऑप्शन इज माइक्रोटिब्यूल्स. एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है. तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ए है. एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल से क्यों डिफरेंट है. बोथ स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल कंपोजिशन. ऑप्शन बी है स्ट्रक्चर ओनली, सी केमिकल कंपोजिशन ओनली, नंबर ऑफ लेयर्स ओनली. तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज केमिकल कंपोजिशन ओनली, क्योंकि प्लांट सेल जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, और जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल वॉल होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है. तो इनकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है, बाकी ये जो है ये सेम होता है. तो क्वेश्चन सी जो है दैट इज बेस्ट ऑप्शन. एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, न्यूक्लियर एनवेलप, क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर एनवेलप, साइटोप्लाज्म, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया. एंड वी हैव ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म, डीएनए एंड राइबोसोम्स. तो प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म होता है, डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने बी प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना होता है. साइटोप्लाज्म भी होता है, डीएनए भी होता है. तो ऑप्शन डी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है. एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. सेल वॉल, डिप्लॉइड न्यूक्लियस, फ्लैजिलम, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स. क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल से हम यूकैरियोटिक सेल को इसलिए डिफरेंशिएट करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन डी है, ऑप्शन डी है सॉरी. And then we have question number 13, which of the following would be more prominent in secretory cells than non-secretory cells. तो secretion का direct relation lysosomes के साथ है, option B है Golgi complex के साथ है, mitochondria के साथ है या ribosomes के साथ है. तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमने डिटेल में स्टडी किया है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो फंक्शन है वो सिक्रीशन में है, सॉर्टिंग में है एंड पैकेजिंग में है. तो जो भी सिक्रीटरी सेल्स होंगे तो उनमें जो भी सिक्रीशंस होंगे उनकी पैकेजिंग के लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बी, ऑप्शन बी. एंड देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, व्हेन अ ग्लाइकोप्रोटीन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड फॉर सिक्रीशन फ्रॉम ए सेल, विच रूट is it most likely to take. Golgi complex, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. यहाँ पे RER का मतलब है rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. तो best option हमारे पास option C है. Rough endoplasmic reticulum पे ये proteins की synthesis होती है, वहां से ये travel कर जाते हैं smooth endoplasmic reticulum की तरफ and then it will move towards Golgi complex, जहाँ पे ये फिर इसकी पैकेजिंग होती है, उसके बाद फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पे भी इसने जाना है, जहाँ पे भी टारगेट है उसकी तरफ ये फिर मूव कर जाते हैं. एंड वी हैव लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोसिस. साइक्लोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं. तो माइक्रोटिब्यूल रिस्पॉन्सिबल है साइक्लोसिस के लिए, या माइक्रोफिलामेंट है, या इंटरमीडिएट फिलामेंट है, या None of them. तो माइक्रोफिलामेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइक्लोसिस के लिए, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी किया है. तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, माइक्रोफिलामेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.